It was R.E.M. Wheeler, after he took over as Director General of Archaeological Survey of India in 1944, who rectified this problem. तो ये जो समस्या थी कि भाई आपकी जो आर्कियोलॉजिकल लेयर्स हैं उनकी स्टेटिग्राफी के हिसाब से आप उनकी खुदाई ना कर कर हॉरिजॉन्टली एक सर्टेन डेप्थ डिसाइड कर लेते हो और उस पर्टिकुलर डेप्थ की खुदाई करते हो। अब उसमें एक से ज्यादा लेयर आ जाए या एक लेयर आ जाए, जो भी सामान मिलता है वो सबको आप साथ में इकट्ठा कर देते हो, क्रमबद्ध कर देते हो। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसके चलते आर्कियोलॉजिकल स्टडी में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, और ये बात लोगों को वक्त के साथ में समझ में आने लगी। इंडिया में ये जो प्रैक्टिस थी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1944 के बाद में बंद करी, जब इन महाशय ने, जिनका नाम है R.E.M. व्हीलर, ये आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, इन्होंने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के तौर पर टुक ओवर किया, तब इन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि हम लोग गलत कर रहे हैं। और उस टाइम पीरियड तक बाकी भी स्टडी हो गई थी, तब तक उन्होंने रियलाइज कर लिया कि भाई हम गलत कर रहे हैं। अगर लेट्स से इस तरीके से एक लेयर ये बनी हुई है और इस तरीके से उसके बाद में लेट्स से अगर आपकी दूसरी जो लेयर है वो इस तरीके से थोड़ा छोटा है, ज्यादा बड़ी नहीं गई है, अब अगर आपने हॉरिजॉन्टली खुदाई करना शुरू करी और ये डिसाइड कर लिया कि इतनी डेप्थ में जितना आ जाएगा वो एक लेयर में काउंट होगा और इतनी डेप्थ में जितना आ जाएगा वो दूसरी लेयर में काउंट होगा, तो इसके चलते अब ये इतना इतना हिस्सा जो आ रहा है इसमें दो लेयर के जो भी आर्टिकल्स मिलेंगे वो सारे के सारे इकट्ठे आप साथ में रख दोगे। बट पॉइंट ये है कि इन दोनों को साथ में रखना बनता नहीं है, क्योंकि ये लेयर के ऊपर का जो है कालखंड अलग है, ये लेयर के नीचे का कालखंड अलग है और ये लेयर के नीचे का कालखंड अलग है। तो ये जो प्रॉब्लम थी अब इसको R.E.M. व्हीलर साहब ने समझा या उनके टाइम पीरियड तक समझा गया कि भैया हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, इस तरीके से खुदाई नहीं की जा सकती, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कराया। इनके टाइम पीरियड में आने के बाद इन्होंने ये बोला कि भाई अब हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लिया करेंगे कि हमारी जो लेयर है उसकी डेप्थ कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले तो हम लोग ये क्लासिफाई करेंगे आपसे कि हमारी जो लेयर है उसकी डेप्थ कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आपने को पता चल गया कि हमारी लेयर यहाँ से शुरू हो रही है एक लेयर और यहाँ तक जाके खत्म होती है और इस तरीके से उसका पैटर्न बना हुआ है, तो इनका कहना ये था कि पहले आप इसी लेयर की खुदाई करोगे और बहुत धीरे धीरे मिलिट्री प्रिसिशन के साथ में जो है आपने ये खुदाई करनी है, ब्रशेस का इस्तेमाल करो, गेती फावड़े इस्तेमाल नहीं होंगे, और जो इक्विपमेंट हमारे आर्कियोलॉजी के इस्तेमाल होने हैं खुदाई करने के लिए जितना अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे इक्विपमेंट मंगवाओ, ताकि किसी भी तरीके से इस लेयर के एक इंच नीचे की भी हम खुदाई ना करें जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर लेयर को एक्सकवेट कर रहे हैं। और जब ये लेयर पूरी तरीके से एक्सकवेट हो जाए, जब हम संतुष्ट हो जाएं कि इस लेयर की पूरी खुदाई हो चुकी है, इसमें से जितना सामान मिल सकता था मिल चुका है, उसके बाद ही हम लोग फिर दूसरी लेयर पर जाएं, जिससे कि ये संतुष्टि बनी रहे कि इस लेयर का जो भी सामान हमको मिला है वो इसी पर्टिकुलर लेयर के सामानों के साथ में रखा जाएगा, इसके ऊपर वाली लेयर या फिर इसके नीचे वाली लेयर के साथ के सामानों के साथ में नहीं रखा जाएगा। अब कई बार आपने इनफैक्ट देखा भी होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ब्रशेस का इस्तेमाल कर धीरे धीरे मिट्टियां हटाते हैं किसी जगह पर अगर खुदाई वगैरह हो रही होती है, और भी इस तरीके के बड़े सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब इसीलिए होता है कि एक लेयर का सामान दूसरी लेयर के साथ में ना जाए और एक लेयर एक्सकवेट करते हुए आप दूसरी लेयर के एक्सकवेशन को शुरू ना कर दो और किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स ही अलग अलग जो टाइम पीरियड के हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग ना हो पाए। इन सारी बातों को R.E.M. व्हीलर साहब ने जो है अपने टाइम पीरियड में करवाया था। व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्टैटिग्राफी ऑफ द माउंट स्टैटिग्राफी ऑफ द माउंट रेदर देन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि व्हीलर साहब ने इस बात को पकड़ लिया कि हम लोग अपनी तरफ से अगर ये डिसाइड कर लें कि हमें भाई इतने में खुदाई करनी है और जो भी सामान मिलेगा हम उसको जो है इकट्ठा रख देंगे, फिर हम लोग इतने में खुदाई करेंगे और जो भी सामान मिलेगा उसको इकट्ठा करके रख देंगे, फिर हम इतने में खुदाई करेंगे और जितना सामान इसमें मिलेगा इकट्ठा करके रखेंगे, ये तरीका ही गलत है, इस तरीके से खुदाई नहीं की जानी चाहिए। अब इससे हम लोग स्टैटिग्राफी फॉलो करेंगे, एक लेयर अगर ऐसे जा रही है तो उसकी ऐसे खुदाई होगी, एक लेयर अगर उसके बाद की ऐसी चली गई तो उसकी ऐसे खुदाई होगी, अब एक लेयर अगर ऐसे चली गई फिर उसी पैटर्न में आप उसकी खुदाई करोगे। तो व्हीलर साहब ने ये चीज जो है करवाई थी, और क्योंकि वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, जैसा मैंने आपको बताया ब्रिटिश आर्मी में ब्रिगेडियर थे, तो ये अपने साथ में मिलिट्री का प्रिसिशन भी लेकर आए आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस में। फौज में डिसिप्लिन का बड़ा योगदान रहता है और वो जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, बहुत प्रिसिशन के साथ में करते हैं, बहुत परफेक्शन के साथ में करते हैं। वही प्रिसिशन, वही परफेक्शन अब जो अपने साथ में वो आर्कियोलॉजी में लेकर आए, जो आर्मी में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा था। इन सारी चीज़ों का फायदा ये हुआ कि अभी तक जो गलतियां हम कर रहे थे एक्सकवेशन में, और जिसके चलते अलग अलग कालखंडों में के ऑब्जेक्ट्स जो थे, जो अलग अलग लेयर्स को बिलोंग करते थे, उनको साथ में जो इकट्ठा करके रख दिया जा रहा था, वो सारी की सारी प्रैक्टिस यहाँ पर बंद हुई। और उसके बाद से इंडियन आर्कियोलॉजी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों का एक्सकवेशन कर रही है और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अपने पास्ट को उसके कारण समझ पा रहे हैं। चले, the frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. This has spurred Indian archaeologists to try and locate
टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वक्त वक्त पर काम करके इंडियन आर्कियोलॉजी को ज्यादा एनरिच किया है और इसकी मदद से हम अपने पास को ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाए। ये सारी कहानी शुरू हुई थी 1850 के आसपास में हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सेवेशन की शुरुआत के साथ में, जो वेस्ट पंजाब के हड़प्पा शहर में किया गया था। अब ये सारा का सारा इलाका जो वेस्ट पंजाब में जो हड़प्पा का क्षेत्र था, या फिर सिंध में मोहनजोदाड़ो जो हमको मिल गया, और इस तरीके के जो दूसरे हड़प्पन सेटलमेंट की जो साइट्स वगैरह मिली, ये सारे के सारे जो इलाके थे पार्टीशन होने के बाद में सारे इलाके चले गए पाकिस्तान में। अब पॉइंट यह है कि क्योंकि जिस जमाने में ये सिविलाइजेशन थी तब तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई भारत और पाकिस्तान जैसे दो हिस्से या इस इलाके के दो हिस्से होकर दो देश बन जाएंगे। जितनी आर्कियोलॉजिकल स्टडी मेजर जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जिन मेजर सेंटर्स पे की गई वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। ऐसे वक्त में अब अगर हम इंडियंस अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा बेहतर तरह से पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें? इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान वालों से उन जगहों की परमिशन मांगी जाए, जो हमको ऑब्वियस सी बात है या तो मिलेगी नहीं, या फिर वो अगर देंगे तो बहुत टाइम लगा कर देंगे और उसके बाद जिस तरह से स्टडी करनी है उसमें अड़ंगे डालेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये बचता है कि हमारे हिस्से में भारत का जो इलाका आया है, हम यहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो दूसरे शहर हैं या दूसरे जो सेंटर्स हैं उनको खोजना शुरू करें। तो पार्टीशन होने के बाद जैसे ही आज के जो उस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के नोन शहर थे जो पाकिस्तान में चले गए, उसके बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये इंडिया आपका जो इंडिया का इलाका हमारे पास में आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो इलाका जो हमारे पास में आया, वहां पर फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बड़े लेवल पर अभियान चलाया हड़प्पन सिविलाइजेशन के और ज्यादा सेंटर्स लोकेट करने के लिए। और इन ये जो अभियान था इसमें खूब एफर्ट्स दिए गए, इस अभियान का नतीजा भी निकला। हमें बड़ी मात्रा में हमारा जो साइट का भारत है, या इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टीशन के बाद में जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा जो इंडिया बना, उसमें जो मेजर मेजर साइट्स थी काफी बड़े लेवल पर मिली, और उनमें भी स्टडी करके फिर हमको काफी कुछ पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग जान पाए। एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हड़प्पा जो शहर था वो वेस्ट पंजाब में मिला था, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पंजाब का वो इलाका जो हमारे पास में आया, जो ईस्ट पंजाब था जिसमें आज हरियाणा भी शामिल है और आज का पंजाब का इलाका भी शामिल है, और भी थोड़ा बहुत इधर उधर का पोर्शन जो हमें आज हिमाचल में चला गया, इस पूरे इलाके में एक्सटेंसिव सर्वे किए गए और यहां पर एक्सटेंसिव सर्वे करकर हमको और कई सारी नई साइट्स मिली। बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात के कच्छ के इलाके में, गुजरात का जो कच्छ का इलाका है, वहां पर जब एक्सकवेशन किए गए, वहां पर जब खुदाइयां की गई अलग अलग जगहों पर, तो हमको कई सारी नई इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट्स मिली जिससे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी नई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला। पंजाब और हरियाणा में हमें काफी सारी साइट्स मिली, नो डाउट अबाउट दैट, बट इन्होंने उसी नॉलेज को कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाया जो हमको हड़प्पा में भी पता चला था, मोहनजोदाड़ो में भी पता चला था। इंटरेस्टिंग बात यह हो गई कि कच्छ में जो सर्वे किया गया वहां पर जो साइट्स मिली हैं, वहां की जो मिली हुई साइट्स थी उन्होंने काफी सारी, एक तो हमको काफी सारी हड़प्पन सेटलमेंट्स वहां पे मिल गई और काफी सारी यूनिक फीचर्स भी जो है यहां पे पता चले। इन सारी चीजों के चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हमारा नॉलेज था आजादी के वक्त में जितना था, आज की तारीख में उससे ज्यादा बढ़ गया। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हमको इसके लिए पाकिस्तान की तरफ में जो इलाके चले गए वहां पर जाने की ज़रा जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपनी तरफ में ही साइट को खोज कर उनको खोदा और उसके बाद में फिर वहां पे अपना एक्सर्वेशन और अपने सर्वेस वगैरह कर ये सारी इन्फॉर्मेशन या फिर ये सारी जानकारी जुटाई है। इनफैक्ट आज की तारीख में राखीगढ़ी का जो इलाका है, राखीगढ़ी के नाम से जो सेटलमेंट हमको मिली थी, वहां पर जो बोन्स मिले हैं उनकी जो डीएनए वगैरह की स्टडी हो रही है और बाकी सारी चीज़ों की स्टडीज हो रही हैं, उससे काफ़ी सारी पुरानी जो थ्योरीज हैं उनको भी आप कह सकते हैं डिस्कार्ड किया जा रहा है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी की पूरी जो है चैलेंज कर दी गई है बिकॉज ऑफ की जो राखीगढ़ी में और बाकी जगहों पर जो एक्सकवेशन में हड्डियां मिली हैं उसके डीएनए की एनालिसिस वगैरह की मदद से, और इस तरीके के दूसरे काफी सारे काम हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नई साइट्स ने ना सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ाई, आजादी के वक्त में जो हमारे मन में डर था कि यार ये साइट्स अगर चली गई हड़प्पा की तो फिर हम अपने एंशिएंट इतिहास को कैसे जान पाएंगे, ना सिर्फ ये डर खत्म हुआ, हमको और ज्यादा साइट्स वगैरह की मदद से अंडरस्टैंडिंग मिली, बट हमारा नॉलेज और ज्यादा गहन हुआ। और जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होती जा रही हैं, जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई है इस हिस्ट्री को रीराइट करने की भी अब जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि समझ में आ रहा है एंशियंट इंडिया 5000 साल पहले नहीं, इनफैक्ट और भी उसके पहले जाता है। अभी की तारीख में न्यूज़पेपर्स में जो बातें आ रही हैं तो कई लोग 7000 साल पहले, 7500 साल पहले कह रहे हैं, बट मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और इससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें 9000 साल पीछे भी अगर चली जाएँ तो, क्योंकि ये बहुत एंशियंट इलाके हैं, ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं और अभी हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जितना समझे हैं वो भी अपने आप में इतना फैसिनेटिंग है कि अपने आप में इतना फैसिनेटिंग है कि इसको शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। बट यस, ऑल दिस थिंग्स, ये जो पूरा का पूरा एफर्ट मारा गया है इसके लिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी बहुत अप्लॉज के डिजर्व करते हैं जिन्होंने मेहनत कर इस तरीके की साइट्स वगैरह हमको ढूंढ कर दी हैं। चले आगे बढ़ते हैं।
While Kalibangan, Lothal, Rakhi Gadi, and most recently Dholavira have been discovered, explored and excavated as parts of these efforts, fresh explorations continue. तो वही बात है कि कालीबंगन की खोज हुई, कालीबंगन मिल गया, लोथल मिल गया, राखी गढ़ी मिल गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि यहाँ पर तो अभी भी एक्सर्वेशन या खुदाई चल रही है. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ ना कुछ आता ही रहता है. यहाँ पर फ्रेश एक्सर्वेशन अभी किए जा रहे हैं. एक रथ मिल गया है इस टाइम पीरियड का. तो कई लोग जो पुरानी किताबों में ये पढ़ाया जाता था कि आर्यन जो थे वो रथ पर बैठकर आए थे. अब ये थ्योरी भी चैलेंज हो रही है कि अगर वो लोग रथ पर बैठकर आए थे तो फिर यहाँ पर रथ कैसे मिल गया. तो और इस तरीके के और भी काफी सारे क्वेश्चन वगैरह जो हैं अब उठाए जा रहे हैं. खैर वो अपने अभी पॉइंट अपने स्टडी की बात नहीं है, बट पॉइंट इज की जो अलग अलग सेटलमेंट्स मिल गई, इन सब ने हमको काफी मदद करी है अपने पास को समझने की. और आज भी इन इलाकों में से कई इलाकों में राखी गढ़ी इज द लेटेस्ट एग्जांपल जहां पर फ्रेश एक्सप्लोरेशन अभी भी चल रहे हैं, अभी भी जो है एफर्ट्स मारे जा रहे हैं, अभी भी यहां पे काफी सारा काम हो रहा है. तो ये मैप एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से अपन ने सेटलमेंट्स वगैरह ढूंढ लिए. ये है हड़प्पा का सेटलमेंट जो वेस्ट पंजाब में पाकिस्तान में चला गया. इसी तरह ये मोहनजोदाड़ो है जो वेस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान में है फिलहाल कुछ वक्त के लिए. कोट डिजी हो गया, नौशारो हो गया, पठानी दम हो गया, और इस तरीके के गाजी शाह, बालाकोट, आमरी, अल्लादीनो, ये सारे के सारे जो आपके इलाके हैं ये सब चले गए पाकिस्तान में. अब अपने को शुरू शुरू में तो ऐसा लगा था कि यार क्या होगा, ये सारे जो मेजर साइट्स थी वहाँ चले गए. बट सल्यूट करना चाहिए अपने आर्कियोलॉजिस्ट को, उन्होंने हाथ पैर मारे और नई नई साइट्स ढूंढी. गुजरात का जो इलाका है यहाँ पर अपन ने धोलवीर को धोलावीरा जो है इसको इसकी खोज कर ली. एक सुर कोतड़ा की जो है खोज कर ली, एक लोथल की खोज कर ली, एक कुंतासी की खोज कर ली. सोमनाथ के पास में एक साइट मिल गई है ना. इसके बाद में इस तरफ आप आओगे तो रोपड़ में हो गया, बनवाली में हो गया, राखी गढ़ी में हो गया, मीठा थाल में हो गया, कालीबंगन हो गया. इसी तरीके से और भी आपकी जो काफी सारी सेटलमेंट्स वगैरह यहाँ मिल गई हैं. और फर्दर नीचे की तरफ में आप जब जाओगे तो महाराष्ट्र तक में जो है अहमदनगर करके एक जगह पड़ती है, वहां तक में भी जो है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं. तो ये काफी सारी आपकी मेजर मेजर साइट्स हैं जो आजादी के बाद में भारत में खोजी गई थी. हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अलग अलग साइट्स हैं उनको खोजा गया था. चले आगे बढ़ते हैं. ओवर द डेकेड्स न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस. वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस, अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स. तो जैसा कि होता है कि अगर आपको कोई एक चीज मिलती है, आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर नॉलेज गेन करते हो और अगर आप उसमें अपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो और उसको लगातार स्टडी करो तो उसके बारे में आप और गहराई में उतरते चले जाते हो. यही चीज आर्कियोलॉजिकल स्टडी पर भी लागू होती है और यही बात लागू होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी को लेकर. यह हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्सर्वेशन या आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किए गए उन सबके ऊपर भी. अब पहले तो हमको यही पता नहीं था कि ये जो शहर हमको मिल गया हड़प्पा यह है क्या. जब पता चला कि अपने आप में एक अलग सिविलाइजेशन है तब उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया गया. जब वक्त के साथ में ये समझ में आया कि भाई इन लोगों का तो मेसोपोटामिया के साथ में भी संबंध था तो कम से कम ये सभ्यता 5000 साल पहले चली जाती है क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता कम से कम 5000 साल पुरानी है. तो इस तरीके से आपने इसके बारे में कुछ और पता किया. फिर वहां से जो सामान आपको मिलना शुरू हुआ उसके बेसिस पर आपने अपने अलग अलग एनालिसिस लगाए. वहां का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह था वो सब आपने देखा और आपकी आंखें मतलब खुली की खुली रह गई कि यार इस लेवल की इंजीनियरिंग जो है 5000 साल पहले भारत में हो रही थी. तो पॉइंट वही है कि जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते गए वैसे वैसे आप इसकी और गहराई में उतरते चले गए और आपको और भी काफी सारी बातें जो है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पता चलती चली गई. तो टाइम पीरियड जैसे जैसे वक्त निकलता गया, जैसे जैसे इसकी स्टडी हुई वैसे वैसे इस सिविलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स अलग अलग वक्त पर इंपॉर्टेंस गेन करते चले गए. जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आज की तारीख में जो है वो कल्चरल सीक्वेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है. कल्चरल सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे पहले यहां पर क्या चीज हुआ करती थी, उसके बाद में फिर यहां पर कौन सी चीज आ गई और ये चीज यहां पर क्यों आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है 1 से लेकर 2 की तरफ में ये कैसे हुआ. मतलब सबसे पहले अगर यहां पे नंबर 1 नाम की कोई चीज थी तो फिर नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कितना वक्त लगा. 2 से फिर अगर ये 3 की तरफ में चले गए तो ये 3 या फिर जो थर्ड स्टेट था इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, कितना हुआ, लोगों में के रहन सहन में और बाकी सारी चीजों में क्या बदलाव आया और इस तरीके से बाकी सारी चीजें. एक पूरा का पूरा जगह जहां पे अलग अलग जनरेशन में अलग अलग जो लोग रहे अलग अलग कालखंडों में उनमें कितना फर्क था या कितनी समानता थी और उनमें जो अगर वेरिएशन या चेंजेस आए तो किस तरह से आए, क्या ऐसा हुआ कि एक ऑल टुगेदर नए किस्म के लोग यहां पर आके बस गए जिनका कल्चर अलग था, या फिर ऐसा हुआ कि पुराने ही कल्चर ने धीरे धीरे इवॉल्व किया और कई सदियों में उसने एक नए किस्म के या फिर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया कि वो अपने आप में एक नए किस्म का कल्चर लगने लगा. इस तरीके के सवालों का जवाब जो तलाशने की आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं वो सारी की सारी चीज कहलाती है कल्चरल सीक्वेंस.
तो आज की तारीख में हम लोग हड़प्पन के बारे में काफी डिटेल में जान चुके हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स को, उन सबको समझ कर, और जो नई नई साइट्स मिल रही हैं, जो पुरानी साइट्स मिली हुई हैं, उन सब पे वेरियस स्टडीज कर हम लोग कल्चरल सीक्वेंस जो है वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट इसमें इंटरेस्टेड हैं, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट उस लॉजिक को समझना चाहते हैं कि भैया अगर ये पर्टिकुलर साइट एक जगह पर है तो यहीं पर क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है, ये साइट कहीं और भी तो बसाई जा सकती थी, इसको स्पेसिफिकली इसी जगह पर क्यों बसाया गया। जैसे नागेश्वर के बारे में पढ़ा था या बालाकोट के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे डेडिकेटेड सेंटर थे प्रोडक्शन के, तो अब जैसे वहां पर हमको लॉजिक समझ में आ गया कि ये जो नागेश्वर था यहाँ पे शेल मेकिंग हुआ करती थी, बालाकोट जो था यहाँ पर आपके दूध बीड मेकिंग हुआ करती थी, इसके लिए मटेरियल्स आपको पास में मिल जाया करते, इसलिए आपने उनको सर्टेन लोकेशन पर बसाया था जहां से उनको जो आपका मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था। तो इस तरीके की जो पर्टिकुलर चीजें हैं, ये जो सारी की ये जो इस तरीके के लॉजिक्स हैं, इनको समझने में कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट रखते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर लोकेशन पे ही इसको बसाया गया तो क्यों बसाया गया, किसने आखिर ये फैसला किया होगा कि यहाँ पे बसाया जाएगा, उसका फैसला करने के बाद में आखिर क्यों उसकी बात मान के कुछ लोग यहाँ पे आके बसे होंगे, कब तक ये सेटलमेंट जो है बसी रही, कब लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया, किस तरीके का यहाँ पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता था, कितनी जगहों पर एक क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जाता था, उससे अपन और क्या क्या पता कर सकते हैं, इस तरीके के जो सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो वो स्पेसिफिक साइट्स की लोकेशन से जो है स्टडी करना शुरू करते हैं और फिर वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह वहाँ से आपको पता चलते चले जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कितना रिच नॉलेज आज की तारीख में हमारे पास हमारे पास को लेकर इकट्ठा हो गया। दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दे मे हैव सर्व्ड। अब यही बात उन आर्टिफैक्ट्स पे भी लागू होती है, अलग अलग लोकेशन या साइट से जो सामान हमको मिला है उस पर भी लागू होती है कि आर्कियोलॉजिस्ट इस पूरे सामान को स्टडी करते हैं, साथ में रखते हैं और लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस चीज का इस्तेमाल किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हुआ होगा, और जो चीज जितनी मात्रा में मिलती है और जितने वेरिएशंस के साथ में मिलती है उससे फिर समाज को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मोबाइल फोन जनरली आज की तारीख में सबके पास में होता है, तो मोबाइल फोन जो है सस्ता वाला भी आता है और बहुत महंगा वाला भी आता है। जाहिर सी बात है सस्ता मोबाइल फोन जनरली जो आपका मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी होगा वो खरीदेगा, और महंगे मोबाइल फोन या तो अपर मिडिल क्लास या फिर एकदम अपर क्लास के लोग खरीदेंगे या फिर जो अल्ट्रा रिच होते हैं वो लोग खरीदेंगे। अब ये जो मोबाइल फोन नाम की एक चीज है जिसकी आज की तारीख में बहुत जरूरत पड़ती है, मगर इसकी जो प्राइस रेंज है उसमें वेरिएशन जो देखने को मिलता है उससे हमको ये समझ में आता है कि भाई समाज में कई सारे तबके हैं और सबकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर है, वो अलग अलग है, यानी कि सबकी आर्थिक क्षमता अलग है। दूसरे शब्दों में आपका जो समाज है इसमें इकोनॉमिक बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन या फिर एक डिवीजन हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर एक पर्टिकुलर सामान है जो आपको इस तरीके का है कि डेली यूज का देखने के लिए मिल रहा है, बट उसकी क्वालिटी में आपको फर्क समझ में आ रहा है, एक बहुत कम अच्छी क्वालिटी का और बहुत कम मात्रा में एक सामान आपको देखने को मिल रहा है, और उसी की एक कम अच्छी क्वालिटी मगर ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है, वो भी आपको इसी कंक्लूजन पर पहुंचाएगी जो मोबाइल फोन के एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको बताया। उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा वालों की जो सोसाइटी थी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इस तरह से कह सकते हैं कि काफी सारी इकोनॉमिक बेसिस पर डिवीजन थे, एक अपर क्लास भी हुआ करती थी, एक मिडिल क्लास भी शायद रही होगी और एक लोअर क्लास भी रही होगी। तो पॉइंट यह है कि इस तरीके के आर्टिफैक्ट जो आपको मिलते हैं उनका क्या फंक्शन था, किस चीज के लिए वो इस्तेमाल होते रहे होंगे, जब आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हो तो ये उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ आपको बता देता है जिसको आप अल्टीमेटली स्टडी कर रहे हो, और यहां से भी आपकी हड़प्पा को लेकर जो नॉलेज है वो और ज्यादा एनरिच होती चली जाती है। Since the 1980s, there has also been growing international interest in the Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. तो 1980 के बाद से बाद का जो दशक है 1980s के बाद में 1990s में early 2000 में और अभी की भी अगर बात कर ली जाए, जैसे जैसे जगह के बारे में और अच्छी अच्छी बातें पता चलती चली जा रही हैं और वेरियस एस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान के मगर दुनिया भर के जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका हड़प्पा को लेकर एक इंटरेस्ट जागा है, वो हड़प्पा की सिविलाइजेशन के बारे में या फिर यूं बोलूं कि एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए ज़्यादा अब आतुर हैं, ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हैं। नतीजा ये हुआ है इस ग्रोइंग इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का या फिर इस ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट का हड़प्पन आर्कियोलॉजी में कि दुनिया भर के आज की तारीख में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इंडिया में भी आपका काम कर रहे हैं इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में, और अब क्योंकि हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ में अच्छे नहीं है तो अगर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वो परमिशन नहीं देते तो वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ पर जाके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं और उनके साथ में कोलैबोरेट करके फिर उनकी स्टडी वगैरह जो हमको मिलती है उससे हम अपनी स्टडी को जो है और ज़्यादा एनरिच करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की मदद से ये जो जॉइंटली कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में हम काम कर रहे हैं, हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो या बाकी सारी सेटलमेंट्स हो, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, हमारी अपने को हमें बेहतर तरीके से जानने में मदद कर रहा है। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन
to recover traces of clay, stone, metal and plants and animal remains as well as to minutely analyze every scrap of available evidences. तो जो गलतियां 1850 के आसपास से हो गई उन गलतियों को ना दोहराया जाए इसके लिए बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो आज की तारीख में मौजूद है वो किया जा रहा है. तो जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स ये लोग यूज कर रहे हैं उसकी मदद से आज ज्यादा जो भी एविडेंसेज हमको मिलते हैं या फिर जो भी पीछे रह गई चीजें हैं उनको ज्यादा बेहतर तरह से एनालाइज कराया जा सकता है, ज्यादा बेहतर तरह से उनके बारे में जाना जा सकता है. जैसे एक टेक्निक का यहाँ पे जिक्र किया है, सरफेस एक्सप्लोरेशन के नाम से एक टेक्निक है. इसका फायदा यह है कि अगर मिट्टी के छोटे से छोटे टुकड़े भी हैं, अगर आपने कहीं पे क्ले का इस्तेमाल किया था उसके छोटे से छोटे टुकड़े भी अगर कहीं पे दबे हुए हैं, खुदाई आप ऐसे अगर गेदी फावड़ा लेके करोगे तब तो शायद वो आपके हाथ में ना आए, मगर ये जो सरफेस एक्सप्लोरेशन की टेक्निक है इसकी मदद से छोटे जो टुकड़े हैं आपके क्ले के या फिर पत्थर के अगर को कहीं पे अगर तराशा है उसका कोई छोटे से छोटा टुकड़ा है, कोई मेटल का टुकड़ा है या फिर कोई उस टाइम पीरियड का प्लांट या फिर एनिमल रिमेन्स अगर बचा हुआ है तो उसको भी रिकवर करने में हमें मदद मिलती है और उसका बेहतरीन से बेहतरीन माइन्यूट से माइन्यूट एनालिसिस भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं. और वही बात मैं शायद 8वीं या 9वीं बार रिपीट कर रहा हूँ कि बेहतर तरह से अपने जो पास्ट है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, बेहतर तरह से हम लोग अपने पास्ट को समझ पा रहे हैं. अब ये सारे के सारे एक्सप्लोरेशंस बड़ी प्रॉमिसिंग है, अपने आप में हम कह सकते हैं कि बहुत आशा देते हैं कि हमें आने वाले वक्त में हमारी सिविलाइजेशन के और वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में फ्यूचर में अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर जानकारी ये प्रोवाइड कराएंगे. तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से अपने को ये समझ में आता है या फिर ये पूरा जो बातचीत हम लोगों ने करी इससे हम लोग ये कह सकते हैं या फिर जो इसका मैं कंक्लूजन जो कर सकता हूँ, 1850s के आसपास में जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता ही नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है या भारत की सभ्यता को जब ये माना करते थे कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से शुरू होती है, वहां से आज की तारीख में हम लोग एक लंबा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, हम लोग एक लंबा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अपने इतिहास को संजोने की हम आज की तारीख में ज्यादा बेहतर कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर एफर्ट हम लोग इसके लिए लगा रहे हैं और ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ में हम लोग इस पे काम कर पा रहे हैं. चले आगे बढ़ते हैं.